हौसलों के आगे कोई पर्दा नहीं होता, कड़े परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता। दिल में जज्बा हो कुछ कर दिखाने का अगर, दिल में जज्बा हो कुछ कर दिखाने का अगर, तो जलते दिए को भी आंधियों का डर नहीं होता, तो जलते दिए को भी आंधियों का डर नहीं होता। आदरणीय मंच, माननीय अतिथिगण व इस पंडाल में मौजूद बाइक नई आश्रम से जुड़े सभी सज्जनों को सादर प्रणाम। सर्वप्रथम धन्यवाद करना चाहूँगी बाइक नई आश्रम का, जिसने मुझे इतने बड़े मंच पर अपनी मन की भावनाएं आप सभी के सामने रखने का अवसर प्रदान किया। अपनी परीक्षा में बताना चाहूँगी कि मैं CMK गर्ल्स कॉलेज सिरसा से BA प्रथम वर्ष की छात्रा हूँ। मेरा नाम जशनप्रीत कौर है और आज से लगभग 1.5 साल पहले जब मैं 12वीं कक्षा में थी और गुरु नानक इंटरनेशनल अकेडमी अबोली में पढ़ती थी, तभी मुझे मेरे स्कूल की तरफ से पहली बार आश्रम देखने का मौका मिला था। मैंने पहली बार आश्रम देखा, मेरे साथ मेरे स्कूल से 30 लड़कियां और भी थीं। मैं और मेरी सहेलियां आश्रम में बच्चों और महिलाओं को देखकर भावुक थी। मेरी एक सहेली रोने भी लगी, मैं भी यह सब देख के हैरान थी। उस वक्त मुझे लगा कि मैं कैसे दुनिया में आ गई हूँ, क्योंकि उस दिन से पहले बेसहारा लोगों को सड़कों पर देखा था, जिन्हें देखने के कुछ समय बाद ही हम भूल जाते हैं, और उन्हें सहारा देने के लिए कोई ऐसा सेवा संस्थान भी होगा यह पहले कभी सोचा ही नहीं था, और उस दिन अपनी आंखों से देख रही थी। और उस वक्त मेरे मन में आया कि हमें अपनी जिंदगी में से कुछ समय निकालकर इन औरतों में इन बच्चों के साथ जरूर बिताना चाहिए। और उसके बाद से ही अक्सर जब भी मुझे मेरी पढ़ाई से समय मिलता है, मैं आश्रम चली जाती हूँ। बस वहीं से मुझे एक पुस्तक मिली जो कि इंसानियत के पुजारी इदी फाउंडेशन के संस्थापक अब्दुल सारिदी की जीवनी थी। मैंने उस पुस्तक को पढ़ा और जानकारी प्राप्त हुई कि इदी फाउंडेशन, जो कि पाकिस्तान में है, एशिया का सबसे बड़ा NGO है, जिसके पास लगभग 2000 एम्बुलेंस, 2 हेलीकॉप्टर, 1 जहाज, सैकड़ों डिस्पेंसरीज, कराची में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, वैसे कई आश्रम है। और इतना बड़ा NGO ऐसे देश में है जो हमारे देश से बहुत पिछड़ा हुआ है। तो उस वक्त जो प्रश्न मेरे मन में था कि हमारे देश में इतने बड़े स्तर का सेवा संस्थान क्यों नहीं है, और अपने उस प्रश्न का जवाब मुझे आज यहाँ आकर मिल गया है। आज मुझे यहाँ आकर ऐसा लग रहा है कि भारत में भी इदी फाउंडेशन का जन्म हो चुका है। पाकिस्तान में उसका नाम है इदी फाउंडेशन और भारत में उसका नाम है बाइक नैया मानव सेवा ट्रस्ट। एक बात और भी जो मुझे मालूम हुई कि आज जिस मुकाम पर इदी फाउंडेशन खड़ा है, जिस स्तर की सेवा इदी फाउंडेशन द्वारा की जा रही है, उसे उस मुकाम तक पहुंचने में 70 साल का समय लगा। और खुशी की बात है कि आज बाइक नैया मानव सेवा ट्रस्ट को लगभग 12 वर्ष हुए हैं, और इतने कम समय में आज ट्रस्ट के पास 2 आश्रम, 10 एम्बुलेंस है, और आने वाले समय में ट्रस्ट के द्वारा हॉस्पिटल बनाने की भी योजना है। आप सभी को यहाँ देखकर मुझे लग रहा है कि जिस तरह से इदी फाउंडेशन पूरे पाकिस्तान में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है, उसी तरह से आप सभी के सहयोग से बाइक नैया मानव सेवा ट्रस्ट भी पूरे सिरसा डिस्ट्रिक्ट से निकलकर पूरे हरियाणा और उसके बाद पूरे देश में अपनी सेवाएं प्रदान करेगा और मानवता की सेवा की राह पर अग्रसर होगा। इसके साथ मैं कहना चाहूँगी, जब मुझे पता चला कि समारोह के मुख्य अतिथि आदरणीय संत सिंचेवाल जी हैं, तो मुझे उनके बारे में मालूम नहीं था, और ट्रस्ट से मुझे पता चला कि वो पर्यावरण की रक्षा की सेवा करते हैं, तो यह जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। आज जब मैं अपने घर से आश्रम तक के रास्ता तय किया, तो रास्ते पर कटे हुए वृक्षों का हालत देखी, और आदरणीय संत सिंचेवाल जी द्वारा ऐसी सेवा की जाती है जो हमारी इस पीढ़ी की नहीं बल्कि आने वाली भी पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ी ज़रूरत है, पर्यावरण की ज़रूरत। आज आदरणीय संत बलवीर सिंह सिंचेवाल जी हमारे बीच आने वाले हैं, यह हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है, और उनका सच्चा सम्मान यही होगा कि हम सभी कम से कम एक पौधा अवश्य लगाएं, उसकी वृक्ष बनने तक सेवा करें और पानी का सदुपयोग करें। अब मैं आपका ज़्यादा समय न लेती हुई अंत में संत बलवीर सिंह जी सिंचेवाल जी का समूची मानवता, सृष्टि और आने वाली पीढ़ियों की तरफ से भी आभार व्यक्त करती हूँ, और 2 पंक्तियों में अपनी बात को ख़त्म करूँगी कि क्या बनाने आए थे, क्या बना बैठे, कहीं मंदिर बना बैठे तो कहीं मस्जिद बना बैठे, हमसे तो जात अच्छी है परिंदों की, हमसे तो जात अच्छी है परिंदों की, कब
कभी मंदिर पे जा बैठे तो कभी मस्जिद पे जा बैठे। धन्यवाद। करना चाहिए वो मैं कर रही हूँ। उसी इस बात को सुनकर के आरती को बहुत बड़ा संदेश। बहुत बहुत धन्यवाद महंत जी। मैं महंत जी से अनुरोध करती हूँ कि अभी हमारे बीच एक छोटी बच्ची अक्षिता ने प्रेरक कहानी सुनाई थी, उसे अपने कदमों से सम्मानित करें। जो